ये लो, यहाँ आपकी शक्ल उतरी हुई है और वहाँ माँ को बुखार चढ़ा है। ये घर में हो क्या रहा है? सुहानी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। हाँ आंटी ने बताया। हम तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ये भी पता चला। एक काम करो ना, तुम जाके ना सबसे कह दो कि ये शादी कैंसिल। दी, वक्त रहते आपको समझ आ गई। अब शहंशाह की तरह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर निकल जाओ और 5-6 दिनों कहीं आराम से बिताओ। फिर यहाँ के मामले निपट जाए, घर वाले और रिश्तेदारों के बीच थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाए, लड़के वाले रुक कर जब वापस लौट जाए फिर आ जाना। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कह रही हो? हाँ सुहानी, क्या तेरा दिमाग फिर गया? लग रहा है ये तू नहीं, तेरे अंदर कोई लेडी अमरीशपुरी बैठ कर बोल रही है। सुहानी, अमरीशपुरी नहीं, बच्चन साहब, सो वो समझना। दी ये शादी नहीं करना चाहती। ओह हाँ, वैसे सुहानी की बात में दम तो है दी। शादी करके किस लड़की का भला हुआ है? जो आपका होगा, क्या पता अगर आपको गंदी चुड़ैल टाइप की कोई सास मिल गई या लड़ने वाली ननद मिल गई, भुक्कर देवर मिल गया तो पूरी जिंदगी रसोई में कड़छी बेलन चलाते और सास ननद के हुक्म बजाते हुए। एक मिनट, क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ क्या हो गया है? वही जो सच है। चल सोनू, दीदी की पैकिंग शुरू करो। एक मिनट, क्या हो गया तुम दोनों को? क्या हुआ दी? क्यों दी? माना कि कुछ पलों के लिए हमारा दिमाग खराब हो गया था, पर तुम दोनों को हमें समझाने के बजाय हमें बहकाने लगे। ऐसा भी कोई करता है क्या? बताओ मुझे। माना कि हमने शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन अगर इस वक्त अगर हम भाग गए तो माँ बाबू जी की कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी उन दोनों की। नहीं, हम ये शादी जरूर करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। और हाँ, तुम दोनों का ना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा दिमाग खराब कर रहे तुम दोनों मेरा। चलो जाओ यहां से, समझ गए मैं तुम्हारा।